डॉक्टर सचिन शुक्ला, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी की गतियां। तो देखिए, पृथ्वी जो हमारी है सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। तो आप जानते हैं बच्चों, जो पृथ्वी दो प्रकार ये गतियां करेगी, घूर्णन गति करेगी। तो घूर्णन गति क्या होता है कि अपने अक्ष के परिता घूमना, जैसे कि लट्टू घूमता है। तो एक परिक्रमा करने में कितना समय, परिभ्रमण करने में कितना समय लेती है वो, घूर्णन गति को हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं। उसके साथ साथ ये क्या करती है, सूरज के चारों तरफ क्या करती है, परिक्रमा भी करती है, उसे कहते हैं परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति कितने उसमें करती है, 365 दिन। अब देखिए क्या होता है, घूर्णन गति से तो हमारे दिन और रात होते हैं, यानी जो हिस्सा सूरज के सामने होगा उन देशों में क्या होगा, दिन होगा, और जो हिस्सा सूरज के पीछे होगा वहां पे क्या होगी, रात। अब देखिए इसके बाद आती है परिक्रमण गति। अब सबसे देखिए, सूरज है और ये पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है। तो देखिए सबसे पहले 3 जनवरी की स्थिति देखते हैं। सूरज की जो पृथ्वी की सूरज से दूरी है वो कितनी, औसत कितनी मानी गई है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। लेकिन ये कैसे कैसे घूम रही है, दीर्घ वृत्ताकार वृत्त में घूम रही है, दीर्घ वृत्ताकार। तो ये क्या होता है, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो इस 3 जनवरी को हम कहते हैं उपसौर। लेकिन अब 6 महीने बाद घूम के इस तरफ आई तो ये 4 जुलाई की स्थिति है। अब 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपसौर। अपसौर माने ऊपर, ज्यादा ऐसे कह सकते हैं इसे याद करने के लिए, अपसौर की स्थिति। और कम होता है उस स्थिति को कहेंगे उपसौर। अब इससे पहले आप पढ़ चुके थे अक्षांश देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं कुल मिला के कितनी होती है, वो मध्य रेखा के 90 ऊपर 90 नीचे, लेकिन कुल मिला के अक्षांश रेखाएं कितनी है, 181। और ऐसे ही पड़ी रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं हैं, पड़ी रेखा तो अक्षांश हो गई, और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं वो कौन सी है, देशांतर। देशांतर रेखाएं 0 से 180 इधर, कुल मिला कितनी होती है, 360। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, ये जाना था हमने, क्योंकि पृथ्वी की गतियों की बात करेंगे, परिक्रमण काल से हमारी भूगोल बनती है। तो उससे पहले हमने जाना जरूरी था, भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री। 23.5 डिग्री ऊपर कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री नीचे कौन सी रेखा है। तो 0 से 23.5 का बीच का ये व्रत कहलाएगा कर्क व्रत, और 0 से 23.5 नीचे वाला कहलाएगा मकर व्रत। ऐसे ही 66.5 डिग्री ऊपर कौन सी रेखा है, आर्कटिक व्रत, और 66.5 डिग्री नीचे कौन सी है, यानी अंटार्कटिक व्रत। अब देखिए सूरज की किरणें क्या होती है, क्योंकि अधिकांश भाग जो सूरज के सामने जो भाग रहता है वो अधिकांश कौन सा भाग रहता है, कर्क व्रत और मकर व्रत का, यानी 23.5 ऊपर 23.5 नीचे। तो इस स्थिति में यहाँ पे क्या होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो इस क्षेत्र को जो 23.5 ऊपर है 23.5 नीचे है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध। अब 23.5, अब देखिए भूमध्य रेखा ये जा रही है बीचों बीच, आप देख सकते हैं। तो ये भूमध्य रेखा से 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, यहाँ पे देखिए सूरज की किरणें डायरेक्ट सीधी पड़ रही है, जो आप देख सकते हैं। देखिए 23.5 से 66.5 ऊपर और 23.5 से 66.5 नीचे, यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ तो रही है, लेकिन कैसी पड़ रही है, तिरछी, थोड़ी कम पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत भी होगी यहाँ पर, वही शीत भी, शीत का भी प्रकोप रहेगा और उष्ण माने गर्मी का भी प्रकोप रहेगा। तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन 66.5 से ऊपर आप देख सकते हैं, 66.5 से 90 के बीच वाला हिस्सा, और ऐसे ही 66.5 से नीचे 90 तक का हिस्सा, यहाँ पे सूरज की किरणें कैसी पड़ रही है, बिल्कुल तिरछी। तो यहाँ क्षेत्र कैसा, कौन सा कटिबंध कहलाएगा, ये शीत माने ठंड, यहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ेगी, तो ये कहलाएगा शीत कटिबंध। अब इसके बाद जब हम पृथ्वी की गतियों की बात करते हैं तो आगे आ सकते हैं इधर हमारे इस पे। अब इसको हम देखेंगे बच्चों, और इसके माध्यम से हम बहुत सरल तरीके से जानेंगे। ये देखिए, ये स्थिति हमारी है 21 जून। अब आप जानते हैं बच्चों, जून में अपने देश में बहुत गर्मी पड़ती है। अपना जो देश है ये आप क्लियर देख सकते हैं, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा
ये देखिए ये रेखा, और एक कर्क रेखा अपने भारत के नक्शे से बिल्कुल बीचों बीच से होती हुई जा रही है भारत से, कर्क रेखा। तो होता क्या है, 21 जून को, 21 जून की जो स्थिति है इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे हम। 21 जून में क्या होता है, स्थिति सूरज की किरणें देखो कहां पड़ रही है, डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ रही है, ये आप देख सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, 21 जून की तरफ भारत में जब कर्क रेखा पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही तो क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी भारत की तरफ, क्योंकि भारत कहां पे, कर्क रेखा की तरफ, बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। तो 21 जून के टाइम भारत में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु। अब उसके बाद 21 जून से जब परिक्रमा करते हुए तीन महीने दो दिन बाद 23 सितंबर की स्थिति हम देखते हैं। तो 23 सितंबर की स्थिति क्या होती है कि सूरज की रोशनी जब ये पृथ्वी ऐसे घूम के, देखिए ये स्थिति थी 21 जून कहां पे रोशनी पड़ रही थी, कर्क रेखा पे, लेकिन अब घूमते घूमते ये जब इधर को आ गई इसकी परिक्रमा करते हुए 23 सितंबर की स्थिति, तो 23 सितंबर की स्थिति को हम देखिए इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए 23 सितंबर को जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ रही है भूमध्य रेखा की तरफ, जब भूमध्य रेखा की तरफ पड़ रही है तो इस स्थिति में भारत पर शरद ऋतु आ जाती है, जिसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, न ज्यादा गर्मी न ठंड, शरद ऋतु आ जाती है। और उसके बाद जब पृथ्वी परिक्रमा करते करते अब ये स्थिति आ गई 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर में सूरज की किरणें कहाँ पड़ती हैं, मकर रेखा में, बिल्कुल सीधे भूमध्य रेखा से 23.5 नीचे। तो उस स्थिति में आप देख रहे हो, गौर से सब बच्चे देख सकते हैं कि भारत पर रोशनी ज्यादा पड़ रही है डायरेक्ट, सीधी किरण पड़ रही है, नहीं पड़ रही ना, देखो छांव से आ रही है सीधी किरणें, तो इस क्षेत्र में पड़ रही है मकर रेखा पर, देखो दिख रही है, और भारत तो ये रहा। तो उस स्थिति में 22 दिसंबर की तरफ भारत में क्या होगा, कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु, कौन सी ऋतु होगी, यानी ठंड होगी। अब उसके बाद पृथ्वी परिक्रमा करते करते जब 21 मार्च की तरफ, अब 21 मार्च की स्थिति देखेंगे, तो ये मकर रेखा से जो किरणें हमारी डायरेक्ट मकर रेखा में पड़ रही थी, अब वो रेखा, वो सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहां पड़ेंगी, अब दोबारा से भूमध्य रेखा पर, कहां पड़ेंगी, भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी। और क्योंकि भारत तो अपना कर्क रेखा पर स्थित है, तो इस स्थिति में क्या होगा, दोबारा से भारत के अंदर कौन सी ऋतु आ जाएगी, हमारी कौन सी, बसंत ऋतु आ जाएगी, यानी ज्यादा गर्मी भी नहीं और ज्यादा, और धीरे धीरे फिर दोबारा से, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा से फिर दोबारा से कर्क रेखा की तरफ चलने लगता है, यानी रोशनी की तरफ किरणें, सूरज नहीं जो उसकी किरणें हैं, क्योंकि परिक्रमा करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोबारा से किरणें जो है सूरज की कहां पड़ने लगती हैं, कर्क रेखा, तो भारत में फिर दोबारा से ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। तो ये इस चार्ट के माध्यम से हमने सीखा कि सूर्य की परिक्रमा करने से ही हमारी ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, SRG मुरादाबाद, धन्यवाद।